वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल केडी वर्कशॉप में आपका इस नई वीडियो के साथ फ्रेंड्स फिर से स्वागत है। आपके लिए आज हम लेके आए हैं मारुति की रिड्स लो पिकअप की प्रॉब्लम, यानी चलते चलते पिकअप ड्रॉप हो रहा है। तो वीडियो की लास्ट तक ज़रूर बने रहें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें चेक लाइट आ रही है स्टार्टिंग में, गाड़ी स्टार्ट करती हैं तो चेक लाइट आ रही है। फ्रेंड्स आप देख सकती हैं चेक लाइट आ रही है, स्टार्ट हो गई है गाड़ी, हमने गाड़ी कर दी है बंद और इग्निशन ऑन। इग्निशन ऑन करने के बाद PS70 Pro से स्कैन किया है और स्कैन करने के बाद आप ये देख सकते हैं करंट में जो फॉल्ट आ रहे हैं, ये हिस्ट्री करंट इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर करके करंट में आ रहा है और करंट में ये एक्सीलेटर पेडल करके ये फॉल्ट कोड आ रहा है। तो एक्सीलेटर पेडल ओपन करते हैं, फिर एयर फिल्टर एयर मार्क सेंसर देखते हैं। तो वीडियो की लास्ट तक बने रहे फ्रेंड्स, स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहे। आप देख सकते हैं ये एक्सीलेटर पेडल हमने खोल लिया है, फाइनली इसको ओपन भी कर लिया है। ये देख सकते हैं इस पर, इसमें ये लॉक लगे हुए होते हैं कुछ, ये सारे हमने लॉक खोल लिए। ये एक्सीलेटर पेडल ओपन हो चुका है। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसका सारा सामान निकाल लिया, स्प्रिंग ये है, इसका पेडल निकाल लिया और ये है, साफ करेंगे पेडल। इसके अंदर लगी है एक आईसी वगैरह, चिप वगैरह, प्लेट। सो फ्रेंड्स पेट्रोल से इसको कर दिया साफ, अब कर रहे हैं इसको असेंबल। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये एयर मार्क सेंसर का ये जो कपलर था ये लूज़ था, यानी हल्का सा बाहर निकला हुआ था, प्रॉपर बैठा नहीं था, इसलिए ये एयर मार्क सेंसर का फॉल्ट कोड उसमें आ रहा था और एक्सीलेटर पैडल का जो फॉल्ट कोड आ रहा था उसको हमने एक्सीलेटर पैडल को ओपन करके साफ कर दिया। अब ये फॉल्ट कोड कर रहे हैं क्लियर और करते हैं गाड़ी को स्टार्ट। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं सारे फॉल्ट कोड आ रहे थे, एयर मार्क्स, इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर, ये सब फॉल्ट 110, 100, ये सब फॉल्ट कोड आ रहे थे और वो एयर मार्क सेंसर का सॉकेट निकला था उसकी वजह से ये फॉल्ट कोड आ रहा था और उसी की वजह से ये अपना फॉल्ट कोड मतलब आ रहा था। तो अब क्या करना है फ्रेंड्स, हमने करना है इसको फॉल्टों को क्लियर ट्रबल्स कोड कर देंगे। क्लियर ट्रबल्स कोड करने के बाद फिर गाड़ी करते हैं स्टार्ट, एक बार रेड ट्रबल कोड करके फिर से देखते हैं। फ्रेंड्स कोई फॉल्ट कोड नहीं है, दोबारा ब्रेक जाके पावर कोड। फ्रेंड्स एक बार क्लियर करते हैं सारे फॉल्ट कोड, क्लियर ट्रबल कोड, ओके फिर से रेड ट्रबल कोड, नो फॉल्ट कोड, ब्रेक जाते हैं एक बार और। सो फ्रेंड्स ओके देख सकते हैं रीड कर चुका है, ओके कर देंगे। अब हम सिस्टम सिलेक्शन, इंजन, पावर ट्रेन, रियर ट्रबल कोड, नो ट्रबल कोड। फ्रेंड्स नो ट्रबल कोड, कोई फॉल्ट कोड नहीं है, यानी गाड़ी हो चुकी है ओके। अब देख सकते हैं आप कंप्लीट हो चुकी है गाड़ी। कंप्लीट हो चुकी है गाड़ी, कोई लाइट नहीं है। फ्रेंड्स अब स्टार्ट करके गाड़ी चलाते हैं, टेस्ट ड्राइव करते हैं, उसके बाद आगे आपको वीडियो मिलते हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली रिड्स कंप्लीट हो चुकी है, जो फॉल्ट कोड आ रहे थे वो सारे फॉल्ट कोड हमने स्कैनर से क्लियर कर दिए। एयर मार्क्स, एयर टेम्परेचर सेंसर का जो फॉल्ट कोड आ रहा था उसकी सॉकेट निकली हुई थी वो हमने लगा दिए फ्रेंड्स, और क्या कहते हैं अपनी जो इसमें टर्बो का जो पाइप था वो भी फटा हुआ था तो उसमें अभी हमने प्रेजेंट में टेपिंग कर दी है। बट जो चेक लाइट आ रही थी और जो पिकअप ड्रॉप हो रहा था रनिंग पे चलते चलते कभी कभी, तो वो फ्रेंड्स कंप्लीट हो चुका है, मतलब कोई चेक लाइट भी नहीं आ रही ना पिकअप ड्रॉप कर रहा है। समथिंग हमने 2 किलोमीटर की समथिंग गाड़ी चला दी है, आप वीडियो में देख सकते हैं फ्रेंड्स। और एक्सीलेटर पेडल की जो प्रॉब्लम थी तो वो भी हमने सॉर्ट आउट कर दी, उसको पेट्रोल से साफ करके उसमें जो कार्बन वगैरह आ रहा था वो सब क्लियर कर दिया है फ्रेंड्स। और जो आपका पिकअप ड्रॉप कर रहा था एयर टेम्परेचर करके जो फॉल्ट कोड आ रहा था स्कैनर में, तो फ्रेंड्स हमने उसको भी कर दिया है क्लियर। और हमारे सर की गाड़ी थी तो हमारे काम से सेटिस्फाइड हैं, जो हमने हमारे सर हमने इनकी गाड़ी करी ये सर भी सेटिस्फाइड हैं, हमारे काम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।